अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। कुकिंग विद आयशा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ये देखें, आज हम बहुत प्यारी सी स्वीट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये मैंने बिस्किट ले लिए। अमूमन जो हम बिस्किट नाश्ते वगैरह में खा रहे होते हैं तो वो बच जाते हैं, तो ये मैंने बिस्किट लिए हैं। इसका बहुत ही अच्छा सा मीठा खूबसूरत सा बनाने जा रहे हैं। देखिए जी, थोड़ा सा हमने मक्खन ले लिया है, ठीक है। मक्खन को ग्रीस कर लेंगे पूरे पैन पर। अब हम इन बिस्किटों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको सेक लेंगे। बिस्किट को हमने सेक लिया है थोड़ा सा, 10-15 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे, ठीक है। बिस्किट को हम उलट पलट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बिस्किट हमारे सोते हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, एक कप मैंने दूध ले लिया है, ठीक है। ये ले लिया मैंने एक चम्मच मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक ही चम्मच मैंने हरा रोट ले लिया है, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, वही पैन हमने ले लिया है जिसमें हमने बिस्किट को फ्राई किया था। ये थोड़ा सा मैदा मक्खन इस्तेमाल करेंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम ये गिलास हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी, दूध में उबाल आ चुका है तो हम ये मैदा इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अब हम एक प्याली इसमें चीनी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसको भी मेल्ट होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। देखिए जी, माशाल्लाह से चीनी वगैरह हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। पेस्ट हमारा रेडी है। इसके जो फ्लेवर को ये इसमें खोपरा ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर डबल हो जाता है हमारा, ठीक है। क्रंच इसका जब मुँह में आता है बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल बाकी नहीं है, और इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाएगा। मैं चेक करवाती हूँ, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से डिज़र्ट हो चुका है हमारा ठंडा, और थोड़ा थिक भी हो चुका है। आप देख सकते हैं, अपने डिज़र्ट को कर लेते हैं, किसी भी प्लेट में सेट कर लेंगे। हम निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना थिक सा हो चुका है, ठीक है। डिस्पोजेबल बाउल में सेट कर लेंगे। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने बिस्किट को सेट कर लेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार और बहुत ही ये मज़ेदार का डिज़र्ट बनता है। इतना स्वीट लगता है ये खाने में कि मिठाई भी आप क्या खाएंगे इसके आगे। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा खूबसूरत सा। ये देखिए जी, ये ले लिए मैंने बादाम और पिस्ते, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। इस पर ऐड कर देंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार किस्म की आपको स्वीट डिश मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर हमें बताइएगा। अब इसको हम फ्रीज़र कर देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, मीठा हमारा डिज़र्ट है बिल्कुल तैयार, और इसको हम कर देंगे फ्रीज़र 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगी, ठीक है। आप ज़रूर बनाइएगा।